अगस्त से एक दिन पहले यानी आज राजधानी पटना के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मरीन ड्राइव का दूसरा हिस्सा आज से आम जनता के लिए खुल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस सड़क के उद्घाटन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। पटना को अब जाम से मिलेगी मुक्ति। अब घंटों का सफर मिनटों में। पटना मरीन ड्राइव फेज टू तैयार। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राजधानी वासियों को एक और सौगात मिलने जा रही है। पटना के दीघा से गायघाट तक का सफर अब आसान होने वाला है। अब लोग बिना जाम में फंसे दीघा से जेपी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव होते हुए गायघाट तक पहुंच जाएंगे। दरअसल पीएमसीएच से गायघाट तक जेपी गंगा पथ लगभग बनकर तैयार हो गया है। अब ऐसे में जल्द ही लोग मरीन ड्राइव फेज टू की सड़क पर फर्राटा भरते नजर आएंगे। दरअसल मरीन ड्राइव का फेज वन दीघा से पीएमसीएच तक फिलहाल चालू है। दूसरा फेज अब उद्घाटन को तैयार है, जो पीएमसीएच से गायघाट तक है। यानी दीघा से गायघाट की तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी महज चंद मिनटों में अब होगी पूरी। अभी तक तो फेज वन ही कार्यरत है और देखिए कि अब फेज टू जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। क्या खूबसूरत, क्या विहंगम दृश्य होगा जब इस मरीन ड्राइव पर आप दीघा से गायघाट तक बिना रुके बिना थके महज चंद मिनटों की दूरी पर आएंगे। अब देखिए कि क्या खूबसूरत नज़ारा, आप देखिए कि विहंगम गंगा नदी का दृश्य, क्या कल कल बहती हुई नदी, पूरे वेग में उफनाती हुई नदी, और उस सड़क पर आप ड्राइव करेंगे और ये गंगा का तो ये दृश्य है, ये देखते हुए अगर आप ड्राइव करेंगे तो ये दृश्य जो है ये अपने आप में एक अद्भुत अदम्य एहसास होगा। पटना का मरीन ड्राइव सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस सड़क के शिलान्यास से लेकर निर्माण और उद्घाटन तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद उत्साहित रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को खुद इस सड़क का मुआयना किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 14 अगस्त यानी सोमवार की शाम 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव फेज टू का उद्घाटन करेंगे। मरीन ड्राइव फेज टू के उद्घाटन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेहद उत्साहित हैं और यही कारण है कि वो इसके उद्घाटन के ठीक पहले पहुंचे और उन्होंने इस पद का खुद मुआयना किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों और इंजीनियर्स को दिया। अब सभी लोगों को इंतज़ार है और देखें कि 14 अगस्त को शाम 5 बजे इस सड़क का उद्घाटन होगा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो पथ निर्माण विभाग के भी मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। अभी फिलहाल मरीन ड्राइव का फर्स्ट फेज दीघा से पीएमसीएच तक 10 किलोमीटर का हिस्सा ही चालू है। सेकंड फेज में पीएमसीएच से गायघाट तक तकरीबन 7 किलोमीटर का सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों का दावा है कि दीदार गज तक की सड़क अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएगी। दरअसल पटना के लोगों के लिए जाम एक बहुत बड़ी समस्या है और लोगों ने इसे अपनी नियति मान ली थी। अशोक राज पथ पर लगने वाले घंटों की जाम से लोग त्राहिमाम करते थे। अब मरीन ड्राइव के बन जाने से लोगों का जोश हाई है। पटनावासी सीएम को धन्यवाद भी दे रहे हैं। बताइए कि 15 अगस्त को इस सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है, सिटी में आप रहते हैं, कितना सहूलियत हो जाएगा? बहुत सहूलियत हो जाएगा। सहूलियत तो इतना हो जाएगा कि मत पूछिए। अशोक राज पथ आप देख ही रहे, उसमें जो डबल डेकर का काम चल रहा है उस काम के वजह से बहुत परेशानी है। 1.5 साल से हम लोग ऐसा झेल रहे हैं कि मत पूछिए। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आखिर जेपी को गांधी से मिला दिया। यहाँ के दर्शक के लिए बहुत रिलैक्स मिला, आराम मिला। जितना ट्रैफिक जाम में बच्चे लोग स्कूल के और भी जो भी हम लोग जाते थे सर्विस, तो बहुत निजात मिला बहुत ज़्यादा। मरीन ड्राइव के बनने से न सिर्फ लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी बल्कि इस सड़क पर ड्राइव करने का भी अद्भुत एहसास होने वाला है। मरीन ड्राइव के पूर्वी छोर पर
ऐतिहासिक गांधी सेतु तो पश्चिमी शोर पर जेपी सेतु, और इस नई सड़क पर ड्राइविंग का एक नया रोमांच मिलेगा। और देखिए कि क्या विहंगम दृश्य होगा इस सड़क का जब निर्माण पूरा होगा, और 14 अगस्त की शाम से जब इस पर फर्राटेदार तरीके से गाड़ियां दौड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए एक नया अद्भुत अनुभव होगा। एक तरफ तो देखिए कि गंगा नदी का विहंगम दृश्य, उफंती नदी, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पटना सिटी से अगर देखें तो गांधी मैदान तक कई सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। तो दोनों तरफ एक से एक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तरफ माँ गंगा का विहंगम दृश्य, तो दूसरी तरफ पटना के ऐतिहासिक घाट और धरोहरों का नजारा देखने को मिलेगा। तो महज चंद घंटों का इंतजार और राजधानी पटना के लोगों को एक और सौगात मिल जाएगी, जो न सिर्फ लोगों को जाम की समस्या से निजात देगी, बल्कि इस पर ड्राइव करना एक नया एहसास होगा। और न सिर्फ पटना के लिए नहीं, बल्कि बिहार के लिए भी मरीन ड्राइव एक गौरव है। पटना से न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए रितेश मिश्रा की रिपोर्ट।